स्टूडेंट्स, जय स्वामी नारायण। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में रिवीजन में 19 तक सीखा था। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 20। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वीडियो में मैं 3 के बदले 4 ऑप्शन ले रही हूँ। ओके, जैसे आपकी अभी एग्जाम होने जा रही है तो उसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे और यहाँ पे मैंने सारा मिक्स लिया है। वर्णों को जोड़ के लिखो, मीन्स जॉइन, डिसजॉइन, आफ्टर नंबर, आफ्टर लेटर, बिफोर लेटर, बिटवीन लेटर, वो सारा मैंने इसमें मिक्स करके लिया है। स्वर, व्यंजन जो भी है वो पूरा मैंने मिक्स करके एमसीक्यूज बना दिया उसका, तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है। नाउ वी विल स्टार्ट 20। ए खाली जगह, खाली जगह ओ, छूटे हुए स्वर लिखो। यहाँ पे दो लाइन, जो दो बॉक्स है वो ब्लैंक है, छूट गए है स्वर, उसको हमें फिलअप करना है। ऑप्शन 1 अम अ, ऑप्शन 2 ऊ ऊ, ऑप्शन 3 छोटी बड़ी, ऑप्शन 4 ए ऐ ओ। ओके, अभी यहाँ पे ऑलरेडी ए दिया है, अगर आप बोलोगे तो अ आ ई ई ऊ ऊ रू ए ऐ ओ, तो क्या आएगा यहाँ पे, ए ऐ ओ। यहाँ पे आएगा औ। ओके, ये ए ऐ ओ, फिर आएगा उसके बाद औ। ओके, तो आंसर इज ऐ ओ। ओके, नाउ नेक्स्ट, य र खाली जगह, खाली जगह छूटे हुए व्यंजन लिखो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्वर था। ओके, यहाँ पे दिखा है व्यंजन लिखो, जैसे क ख ग ग होता है ना ऐसे, यहाँ पे दिया है य र। अगर आप स्टार्ट करोगे बोलना य र ल व, अपने आप आ जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन ल व, सेकंड ऑप्शन ब ब नो, थर्ड ऑप्शन न ब नो, फोर्थ ऑप्शन श श नो। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ल व, य र ल व। ओके, नाउ 22, खाली जगह ई, आगे का वर्ण बताइए। जैसे आप स्टूडेंट्स, आप मैथ्स में सीखते हो बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, ऐसे यहाँ पे बिफोर लेटर बताना है। बड़ी ई दिया है तो बड़ी ई के आगे क्या आएगा, म नो, ग नो, ई नो, ड नो, ऑलरेडी ये सारे व्यंजन है, यहाँ पे क्या दिया है स्वर, तो हमेशा बड़ी ई के आगे क्या आएगा, छोटी ई। ओके, नाउ खाली जगह ब, इसमें भी सेम ही है, आगे का वर्ण बताइए, बट यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे व्यंजन है। ओके, ब य फ किस, अगर आप बोलोगे प प ब, तो ब के आगे क्या आया, फ आया। स्टूडेंट्स, क्या आया, फ, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ यहाँ पे 24, ज खाली जगह, पीछे का वर्ण बताइए। जैसे आप बिफोर, अभी बिफोर हमने आगे सीखा, आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, तो उसके बदले हमने लिखा यहाँ पे बिफोर लेटर। अभी यहाँ पे जैसे आप आफ्टर नंबर सीखते हो, यहाँ पे है आफ्टर लेटर। ओके, ज खाली जगह, पीछे का वर्ण बताइए, बैकवर्ड, बैक लेटर बताना है। ओके, ज के बाद क्या आता है, हमेशा जैसे यहाँ पे छोटा ज है तो छोटे ज के बाद क्या आएगा, बड़ा ज, जैसे यहाँ पे बड़ी के आगे क्या आता है, छोटी ई, ऐसे ही ज के बाद बड़ा जाएगा, ड नो, ढ नो, ज यस, ठ नो। ओके, तो यहाँ पे दिया है बड़ा ज। ओके, यहाँ पे च दिया है खाली जगह, पीछे का वर्ण बताइए। ओके, पीछे का वर्ण बताइए, ख नो, ख तो क ख ग, ख के बाद तो छोटा घ आता है, ज नो, ज तो ज के बाद तो आएगा बड़ा ज, क नो, और छ यस, क ख ज घ ग च छ, च के बाद क्या आया स्टूडेंट्स, छ। ओके, नाउ य खाली जगह ल, जैसे मैंने बोला था आफ्टर नंबर तो आफ्टर लेटर, बिफोर नंबर तो बिफोर लेटर, यहाँ पे बिटवीन नंबर तो बिटवीन नंबर के बदले हमने क्या लिया है, बिटवीन लेटर। ओके, बीच का वर्ण लिखना है, यहाँ पे बीच का वर्ण बताइए, ड य ड ल नो, य घ ल नो, र यस, य र ल व। ओके, आप जैसे ही बोलोगे, आपको अगर बाराखड़ी आ गई, बाराखड़ी स्टूडेंट सॉरी, व्यंजन और स्वर आ गए, तो अपने आप ये आफ्टर बिफोर नंबर वो सारा भी आपको आ जाएगा। ओके, यहाँ पे है य र ल। ओके, प तो आएगा ही नहीं, तो हमने क्या लिया, आंसर इज
थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ओके नाउ 27. स खाली जगह स बीच का वर्ण बताइए. ओके देखो ये स मैंने आपको बताया था क ख ग में तीनों स, सबसे पहले सरनाई का फिर षटकोण का भी लास्ट में आएगा ये स. ओके तो तीनों स साथ में ही आएंगे बट बीच में आएगा प लिखने के बाद हम जो स्लैंटिंग लाइन करते हैं वो वाला स आएगा. प लिखना है बीच में स्लैंटिंग लाइन. ओके तो वो वाला स बीच का वर्ण है ब श ब स नो ह स ह स नो स स स स यस. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ओके नाउ यहाँ पे संधि जोड़ो मीन्स वर्णों को अलग करने लिखना है. यहाँ पे ऑलरेडी शब्द दिया है वो शब्द को हमें क्या करना है अलग करना है. यहाँ पे शब्द है सिंपल वर्ड मीन्स नो मात्रा नो को मीन्स सिंपल वर्ड ही है न भ अ की मात्रा है उसमें आ ई कोई भी मात्रा नहीं है. तो फर्स्ट ऑप्शन न प्लस ब, सेकंड ऑप्शन भ प्लस न, थर्ड ऑप्शन न प्लस म एंड फोर्थ ऑप्शन म प्लस न. स्टूडेंट्स अगर ये शब्द की संधि हम छोड़ेंगे अलग करेंगे तो क्या आएगा न प्लस ब. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन न प्लस ब. स्टूडेंट्स नोट डाउन इन योर नोटबुक. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 29. ओके जय स्वामीनारायण.